मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ उनको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे आज हम ये देखने वाले हैं। सेंटेंसेस है, काश मेरे पास BMW कार होती, काश मेरे पास लता मंगेशकर जैसी आवाज होती, काश मेरे पास मुंबई में 5 BHK बंगलो होता, काश मेरे पास। तो आज के इस एडवांस स्ट्रक्चर में ऐसे ही मैं कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिनकी स्टार्टिंग काश मेरे पास से होती है। उनको हम बनाएंगे कैसे, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक का यूज करेंगे और डिफरेंट टाइप्स से स्ट्रक्चर्स के माध्यम से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बिना रटे हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज भी सॉल्व होने वाली है। तो देखिए, सेंटेंसेस है, काश मेरे पास तुम होते, काश हमारे पास वो होता, तो ये सेंटेंसेस हम बोल कैसे सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारा यू कैन स्पीक स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 47 नंबर का एडवांस स्ट्रक्चर है। इससे पहले 46 स्ट्रक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, काश मेरे पास तुम होते, काश मेरे पास तुम होते, आई विश आई हैड। आपको यदि काश मेरे पास, इसके लिए आपको बोलना होगा I wish I had। यहाँ कहीं भी आपको दिखाई देगा ना, काश मेरे पास तुमको, आप क्या बोलेंगे, I wish I had। तुम होते you, only you का यूज करना है। अब आप बोलेंगे मैम ये स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए एक बार हम ओवरलुक कर लेते हैं। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, अभी काश मेरे पास के लिए क्या यूज करेंगे, I wish I had। इतना हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत सारे पैसे होते, lot of money हो गया स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। जनरली सभी लोग ऐसे ही समझाते हैं, मैंने भी ऐसे ही समझाया, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि आपको बिना रटे हुए इसको बताने की कोशिश करूंगी। तो स्ट्रक्चर कैसे बना है, इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, हमारा ऐप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसमें आप बहुत ही कम कीमत में आप 4 किताबों के साथ उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स है और ये जो स्ट्रक्चर है दोनों ही अलग है, दोनों में किसी भी तरीके की सिमिलरिटी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक ही सेंटेंस से उसके 2 पार्ट्स किए हैं। ऐसा क्यों किया, अभी तक मैंने ऐसा बोला था काश मेरे पास के लिए रट लीजिए आई विश आई है, लेकिन एक्चुअली होता कैसे है, देखिए काश के लिए हम विश का यूज करते हैं, भगवान से आपको दुआ करते तो हम विश बोलते हैं ना, विश, काश मेरी ये विश पूरी हो जाए, मैं आपको ऐसा विशेस करता हूं। तो ये विश के लिए आप काश का यूज करेंगे। मेरे के लिए हमने क्या यूज किया है, आई का यूज किया, और पास्ट के लिए हेड का यूज करते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में, ये इसमें मैटर नहीं करता है, बस पास्ट जहां पर है आप वहां पर हेड का यूज कीजिए। काश मेरे पास आई विश आई हैड, काश हमारे पास वी विश वी हैड, काश तुम्हारे पास यू विश यू हैड, काश राम के पास राम विश राम हैड, काश कुशा महेश्वरी मैम के पास। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, कुशा महेश्वरी मैम विश कुशा महेश्वरी मैम हैड। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको बोलना होता है। इट मीन्स व्हाट, कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको 2 टाइम्स आपको रिपीट करना होता है, विश से पहले और हैड से पहले, और स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। अब देखिए, तुम होते या हम बोले BMW होती, तो बस यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लिख देना, तुम होते तो यू लिखना है, BMW होती तो अ BMW, घर होता तो अ हाउस, और यदि आपको बोलने 5 BHK फ्लैट होता तो आई विश आई हैड अ 5 BHK फ्लैट। और एक सेंटेंस और बने, काश, कभी कभी हम ऐसे भी सेंटेंस बोलते ना, काश मेरे पास यार तेरे जैसी गर्लफ्रेंड होती, कैसे बनाएंगे, एकदम ईजी है, आई विश आई हैड अ गर्लफ्रेंड जस्ट लाइक यू, ऐसे भी सेंटेंसेस इसमें बन सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एकदम ईजी हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड, इसी तरीके के ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, बस आप स्ट्रक्चर समझ रहे, यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तुरंत हमारे A to Z ग्रामर एंड राइटिंग स्किल के कोर्स में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग लग रहा है, आई विश आई हैड वी विश वी हैड। तो हमने एक ही चीज को 2 तरीके से बना, इट मीन्स एक तीर से आप 2 निशाने लगाएंगे, और यहाँ तो मैं बोलूंगी एक तीर से हजारों निशाने लगने वाले हैं। कैसे, देखिए, काश मेरे पास, मेरे के लिए हमने आई का यूज किया, काश के लिए विश का यूज किया, हैड के लिए पास का यूज किया, आई विश आई हैड, काश हमारे पास वी विश वी हैड। और एक क्वेरी आपको देती हूँ, काश उनके पास, कैसे बनाएंगे, बनाइए और तुरंत लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। अब देखिए, आई विश आई हैड यू, काश मेरे पास तुम होते, ये स्ट्रक्चर तो हम देख ही चुके हैं। अब देखिए, आई विश आई हैड दे, काश हमारे पास, काश मेरे पास वे होते, काश मेरे पास वे होते, वी विश वी हैड एन एरोप्लेन, काश हमारे पास एक एरोप्लेन होता, वी विश वी हैड गोल्ड, क्या, काश हमारे पास सोना होता, वी विश वी हैड गुड कॉलेज, काश हमारे पास गुड कॉलेज होते। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बस आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसको 2 बार रिपीट करना है, विश और हैड का यूज करना है, आगे का एज इट इज आपको रख देना।
लेना है। और फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको तुरंत देने वाली हूँ। फ्रेंड्स आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नंबर आप देख ही सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं एक्सरसाइज, जहाँ पे आप अपनी टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं मेरे साथ। काश मेरे पास माँ होती, अमिताभ बच्चन का डायलॉग आई थिंक आपको याद होगा, वो पूछता है तेरे पास ये है, तेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है, वो बोलता है मेरे पास माँ है। देखिए ये वाला, काश मेरे पास माँ होती, काश हमारे पास एक दोस्त होता, या होता ही करना है, काश हमारे पास आईफोन होता, काश हमारे पास चॉकलेट का बंगला होता, काश हमारे पास आप जैसे सब्सक्राइबर्स होते। यहाँ पर ये कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट को कॉपी करके आगे बढ़ना है। काश मेरे पास माँ होती, काश मेरे पास, मेरे के लिए मैम ने बताया था आई का यूज आगे पीछे, आई विश आई हैड माँ को माँ बोलेंगे चलेगा, आई विश आई हैड माँ जोड़ना है, आई विश आई हैड माँ, एकदम ओके हो रहा है। एक बार हम चेक कर लेते क्योंकि चेक करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है, आई विश आई हैड माँ, नो प्रॉब्लम, इजी हो रहा है ना। काश हमारे पास एक दोस्त होता, एक भी दोस्त नहीं है मेरे पास, एक सिंगल फ्रेंड नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, भगवान काश मेरे पास एक दोस्त तो भी होता, किसे बनाएंगे, आई विश आई हैड अ फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा है ना, रटना पड़ रहा है क्या मुझे, आप सच में बोलिए आपको रटना पड़ रहा है कि नहीं रटना पड़ रहा, जैसे बाकी सब बोलते ना कि 50 सेंटेंस रटो 100 सेंटेंस रटो, मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ ना, इस पे बिलीव करती हूँ, बस आप समझ लीजिए यहाँ पर और बहुत सारे सेंटेंसेस बना लीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो ऐप है उसमें आपको ग्रामर का कोर्स और स्पोकन का कोर्स दोनों ही आपको कोर्सेज मिल सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज मिल सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, एक दो स्ट्रक्चर्स नहीं है बल्कि ऐसे मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये सभी स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर बहुत कम कीमत में पीडीएफ फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब देखिए काश हमारे पास एक दोस्त होता, तो अभी जैसे मैंने क्या करा, पढ़ते टाइम पर ही पढ़ लिया, काश मेरे पास एक दोस्त होता, ऐसा नहीं करना है, जो हमारा हिंदी में लिखा उसको समझिए पहले। काश हमारे पास एक दोस्त होता, हमारे के लिए आपको वी का यूज करना पड़ेगा, वी विश वी हैड अ फ्रेंड। अब देखिए एक बार चेक कर लीजिए, वी विश वी हैड अ फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, काश हमारे पास आईफोन होता, अभी मैं तो हमारे पास की जगह मैं तो यही बोलूंगी काश मेरे पास आईफोन होता, यदि आप जैसे सब्सक्राइबर रहेंगे तो जल्दी ही मैं आईफोन खरीद लूंगी, काश हमारे पास आईफोन होता, इसको कैसे बनाएंगे, वी विश वी हैड अ आईफोन। अब देखिए यदि मैं ऐसे बोलती हूँ काश मेरे पास आईफोन होता, आई विश आई हैड अ आईफोन। चलिए आगे बढ़ते, काश हमारे पास चॉकलेट का बंगला होता, कैसे बनाना है, काश हमारे पास, वी विश वी हैड अ चॉकलेट बंगलो। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस और मैं देती हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिए, काश उनके पास दिमाग होता, कैसे बनाएंगे, बनाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं आप इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, फ्रेंड हमारा ऐप है यू कैन स्पीक किट एंड ऐप, इस ऐप को यदि आप देखेंगे तो वहाँ दो अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, एक है ग्रामर का, दूसरा है स्पोकन का कोर्स, दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, फैंटेस्टिक है, आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए ये कोर्स डिजाइन किए गए। बस आपको यही याद रखना है कि हमारे स्पोकन में जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया और जो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ ये दोनों बहुत ही अलग हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स आगे के स्ट्रक्चर को जरूर देखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।